आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट एंड साउथ इंडिया की स्पेशल लेमन राइस की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से ये मिनटों में रेडी हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक चम्मच राई के दाने, कुछ कड़ी के पत्ते, चार हरी मिर्च, दो रेड मिर्च एंड पीनट्स एंड कैसियो नट्स ले लिए हैं, एक इंच अदरक का टुकड़ा जिसे क्रश कर लिया है, एक लेमन को मैंने स्क्विश करके इसका जूस निकाल लिया है और एक चम्मच उड़द का दाल और एक चम्मच चने का दाल लिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे और जिसमें मैंने दो चम्मच घी का यूज़ किया है। आप लेमन राइस बनाने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली ये सिसमे सीड्स के ऑयल में बनते हैं, बट मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया। तो घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें राई के दाने डाल देंगे और इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। और जैसे ही ये चटक जाती है ना, हम इसमें ऐड करेंगे, हमने जो दाल रखा हुआ था ना वो ऐड करेंगे। तो दाल भी मैंने यहाँ पे चने का दाल और उड़द का दाल यूज़ किया है, जो कि एक अच्छा सा क्रंच देता है, एक अच्छा सा फ्लेवर देता है लेमन राइस में। और स्पेशल क्रंच के लिए यहाँ पे मैं पीनट्स और कैसियो नट्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कैसियो नट्स स्किप भी कर सकते हो। और उसके बाद हम यहाँ पे दो रेड चिली डालेंगे, ये सूखी लाल मिर्च है। और सभी चीज़ों को चलाते हुए हम हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम क्रश किया हुआ जो अदरक हमने रखा हुआ था वो डाल देंगे और सभी चीज़ों को हमें मिक्स करके 2 मिनट तक इसे रोस्ट करना है, जब तक कि एक गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता ना दालों का। और ये जो हमने पीनट्स और कैसियो नट्स डाला है, उन सभी चीज़ों का एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, रोस्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इसे लो फ्लेम पे भून लेंगे। और उसके बाद हमने ऐड किया हुआ है ये 4 ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली आप छोटी छोटी कट करके भी ऐड कर सकते हो और इस तरीके से भी आप बीच में चीरा लगा करके और ऐसे भी ऐड कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स कड़ी पत्ता, तो ये डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ इन्ग्रीडियंट्स जो होते हैं ना, जैसे राई, रेड चिली, कड़ी पत्ता, ये साउथ इंडियन फ्लेवर में एक अच्छा सा टेस्ट देते हैं, तो इसे स्किप नहीं करना है हमें। और उसके बाद हम कलर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बॉइल्ड राइस यूज़ करेंगे। जो आप डेली राइस बनाते हो घर पे, आप वो राइस का ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड राइस डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे आप देख रहे हो कि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजिली ये बन जाती है और आप इसे 5 मिनट में ही रेडी कर सकते हो। तो जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन करे ना, जब भी प्लेन राइस खाने का मन नहीं हो, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और इसमें कोई भी सब्जी या दाल की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद में एक मील है। तो आप इसे कोकोनट चटनी या रेड चटनी या फिर आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। ऐसे तो ट्रेडिशनली इसे कोकोनट वाली जो ग्रेवी होती है ना, उसके साथ खाई जाती है, और या तो आप इसे सिर्फ ऐसे ही खा सकते हो, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो लास्ट में हमने लेमन यूज़ किया हुआ है, लेमन का जूस डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। आप लेमन का जूस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हो। और उसके बाद हमने धनिया के पत्ते से इसे गार्निश किया हुआ है इसके बना। तो खैर, कोई भी सब्जी हो या कोई भी डिश हो, ये अधूरी होती है, तो इसलिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हो कितनी अच्छी सी कलर आई है एंड कितनी डिलीशियस लग रही है ये, तो खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए एंड तक थैंक यू।